सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल टेक्नोनेट विनोद को, सामने बेल आइकन को जरूर दबाइए लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आईटीआई के बारे में कि एक्चुअल में आईटीआई होता क्या है और आईटीआई करने के बाद फ्यूचर में आपको क्या क्या ऑप्शन मिल सकते हैं, जॉब के हों चाहे पढ़ाई के हों। और सबसे ज्यादा प्रीफर जो किया जाता है, किसी के भी मुंह से आपने सुना होगा कि अगर आपने कक्षा 10 पास कर लिए या कक्षा 12 पास कर लिए तो आईटीआई कर लो, आपको जॉब तुरंत मिल जाएगी। तो दोस्तों ये बिल्कुल सही बात भी है। तो इसी के चलते मैं आपको ये इस वीडियो में बताऊंगा कि एक्चुअल में आईटीआई होता क्या है और इसको करने के बाद फ्यूचर में आप क्या क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों बने रहिएगा हमारे साथ और हमारे इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। मैं विनोद कुशवाहा, आप देख रहे हैं टेक्नोनेट विनोद। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जानते हैं आईटीआई होता क्या है। आईटीआई का सबसे पहले जानते हैं कि फुल फॉर्म क्या है। आईटीआई का फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो इसका मतलब हो गया कि जहां पे एक ऐसा इंस्टीट्यूट जहां पे इंडस्ट्री में होने वाले वर्क के मुताबिक आपको नॉलेज दी जाती है, वर्क करना सिखाया जाता है, उसी को आईटीआई कहा जाता है। देखिए आईटीआई एक शॉर्ट टर्म कोर्स है जिसको करने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है कक्षा 8 पास रखा गया है, कक्षा 10 पास रखा गया है और कक्षा 12 पास रखा गया है, अलग अलग कोर्सेज के मुताबिक। ठीक है दोस्तों, तो अलग अलग कोर्सेज के अलग अलग एंट्री क्वालिफिकेशन। तो दोस्तों आईटीआई कोर्स एक शॉर्ट टर्म कोर्स है, 1 ईयर का कोर्स है, 2 ईयर के कोर्सेज हैं, 6 मंथ के सर्टिफिकेशन कोर्सेज हैं। तो इसमें आप ऐसे कोर्स ऐसे ट्रेड को चुनिए अगर आप आईटीआई करना चाहते हैं जिसमें आपका मन लगता हो, तो उस क्षेत्र से आईटीआई करने के बाद आप फ्यूचर में कभी भी खाली नहीं बैठेंगे। और अगर फ्यूचर में आपको तुरंत जॉब चाहिए तो आईटीआई जरूर करना चाहिए। अगर आप गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं तो आईटीआई आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। तो दोस्तों आईटीआई एक ऐसा कोर्स है जो कि सबसे कम खर्च में भी कंप्लीट हो जाएगा, कम समय में कंप्लीट हो जाएगा। आपने यहाँ पे अपना 10वीं पास किया या 12वीं पास किया, उसके बाद आपने आईटीआई कोर्स कर लिया, तो फ्यूचर में आपके सामने जॉब के कई रास्ते खुल जाते हैं। आप प्राइवेट सेक्टर में जाके जॉब कर सकते हैं, क्योंकि अब बात आती है कि कक्षा 10 पास करने के बाद आपने आईटीआई कर लिया या पढ़ाई आप जारी रखते हैं तो उसका बीए करेंगे या अदर टेक्निकल कोर्सेज करेंगे उसके, तो जितने भी बड़े बड़े कोर्सेज हैं उनकी फीस बहुत ज़्यादा होती है और यहाँ आईटीआई की फीस बहुत कम होती है। और इंडस्ट्री में कैसे वर्क किया जाता है इसकी पूरी जानकारी आईटीआई में बताई जाती है। ट्रेड वाइज जिस भी ट्रेड में आप एडमिशन लेंगे उस ट्रेड से रिलेटेड उस इंडस्ट्री में किस तरह से वर्क किया जाता है पूरी जानकारी आपको आईटीआई के कोर्स में बताई जाती है। इसलिए देखिए सबसे बेस्ट कोर्स है अगर आपको आपका बैकग्राउंड थोड़ा गरीब फैमिली से है तो आपके लिए सबसे अच्छा कोर्स जो है आईटीआई का ही है। आपने ज़्यादा समय वेस्ट भी नहीं किया, तुरंत आपने आईटीआई कर लिया, आईटीआई में अच्छी खासी आपने तैयारी भी कर ली, पढ़ाई भी कर ली, अच्छी खासी नॉलेज भी हो गई, आप किसी भी कंपनी में चले जाएंगे उस सेक्टर की तो आपको आसानी से जॉब मिल जाएगी, वहाँ पे आपको खाली नहीं बैठना है और आपकी इनकम भी शुरू हो जाएगी कम समय में। और फ्यूचर में बहुत सारे स्कोप हैं, चाहे आपने आईटीआई का कोर्स एससीबीटी से किया हो चाहे एनसीबीटी से किया हो, क्योंकि पहले तो गवर्नमेंट सेक्टर में कई जगह पे खाली एनसीबीटी कोर्सेज को ही रखा जाता था कि अगर आपने एनसीबीटी से किया है तो ही आप फॉर्म भरने के लिए एप्लीकेबल होंगे। लेकिन यहाँ पे जो अभी रिसेंटली रेलवे का ग्रुप डी का फॉर्म आया था वहाँ पे एससीबीटी और एनसीबीटी जितने भी दोनों से जिन्होंने कोर्स किए थे उनको इक्विवेलेंट कर दिया था कि आप एससीबीटी से भी किया है तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं, एनसीबीटी से किया है तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। और फ्यूचर में ये भी तैयार है कि जितने भी रेलवे के ग्रुप डी के फॉर्म आएंगे उसमें मिनिमम एंट्री क्वालिफिकेशन आईटीआई पास होना जरूरी होगा किसी भी ट्रेड से। तो दोस्तों फ्यूचर के लिहाज से भी अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहें तो भी आईटीआई कोर्स बहुत ही अच्छी चीज है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन यहाँ पे टेक्निकल कर दिया गया है। साथ ही साथ
अगर आप किसी इंडस्ट्री में जाके वर्क करना चाहें तो वहाँ पे भी आपके पास अच्छी नॉलेज होगी तो अच्छी सैलरी भी आपको मिलेगी, और जितने आप पुराने होते जाएंगे उस इंडस्ट्री में उतनी अच्छी सैलरी आपको मिलती जाएगी। तो ITI करने के बाद आप कभी भी खाली नहीं बैठेंगे। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में मिल जा रही है आपको जॉब, तो आप गवर्नमेंट में चले जाइए, प्राइवेट में तो आपको 100% जॉब मिल ही जाएगी अगर आपने अच्छी खासी, आपके पास अच्छी खासी नॉलेज है उस स्टेट से। और अगर फिर भी आप कहीं दूर न जाना चाहें तो आप सेल्फ अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं उस स्टेट से रिलेटेड। ठीक है, हर जगह ऐसी चीज़ नहीं है कि भाई आप अपना बिजनेस भी स्टार्ट करेंगे आपको काम ही ना मिले। काम अगर आपको आता होगा उस स्टेट से रिगार्डिंग, उस फील्ड से रिगार्डिंग, तो आपको काम बिल्कुल मिलेगा, चाहे आप सेल्फ कीजिए, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में चले जाइए, चाहे प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर लीजिए, तो आपको काम की कमी नहीं होगी। काम की कमी बस उन्हीं लोगों को होगी जिन्होंने ओनली खाली ITI कोर्स की डिग्री ले ली है किसी भी ट्रेड से। अगर वो किसी कंपनी में जॉब करना चाहें तो उनको उस चीज के बारे में नॉलेज ही नहीं होगी, तो कोई कंपनी वाला उन्हें क्यों रखेगा। अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहें, उन्हें किसी चीज की नॉलेज ही नहीं है तो वो किस चीज का बिजनेस करेगा। और रही बात गवर्नमेंट सेक्टर की, तो गवर्नमेंट सेक्टर में भाई देखिए मेहनत तो है, तैयारी करेंगे, रिटर्न एग्जाम निकालेंगे, इंटरव्यू निकालेंगे, उसके बाद आपको जॉब मिलेगी, तो वहां आप जा सकते हैं। तो वैसे लोग ज्यादा सक्सेस नहीं हो पाते हैं। तो भाई जब भी अगर आप ITI कोर्स में एडमिशन लीजिए, किसी भी ट्रेड में एडमिशन लीजिए, तो वहां पढ़ाई करना जरूरी है, क्योंकि बगैर नॉलेज के आप कहीं भी सक्सेस नहीं हो पाएंगे। तो दोस्तों आपको हमारे वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट करके, और दोस्तों हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और दोस्तों अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सामने बेल आइकन को जरूर दबाइएगा हमारी वीडियोज़ की लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए।